जनपद बहराइच से बड़ी खबर, मैं रुचि सिंह भारती, आप देख रहे हैं बी भारत नेपाल टाइम न्यूज। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के द्वारा मनाया गया भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस। 1 जनवरी भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस के अवसर पर लालजी लहरी जिला अध्यक्ष भीम आर्मी के अध्यक्षता में बलरामपुर में शौर्य दिवस मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि आजाद समाज पार्टी के डेबी पाटन मंडल अध्यक्ष माननीय एस के राज गुरु जी रहे, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, भगवान गौतम बुद्ध व महापुरुषों को पुष्प अर्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की और लोगों को बताया कि आज हम सब शौर्य दिवस क्यों मना रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन 1 जनवरी सन 1818 ईस्वी को भीमा कोरेगांव में भीमा नदी के किनारे 28,000 पेशवा बाजीराव सेनाओं को मात्र 500 महार भाइयों ने उन्हें गाजर मूली की तरह काट डाला। और ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि उस दौर में हम दलित भाइयों के साथ इन पैसाओं के द्वारा बहुत अत्याचार हो रहा था, हमें दिन में चलने के अधिकार नहीं थे, क्योंकि यह हमारे परछाई पड़ने से अशुद्ध हो जाते थे और हमें अपर्श जातियाँ थे। इस अवसर पर मंडल प्रभारी मोहम्मद आविद जी, मंडल प्रभारी भीम आर्मी, जिला पंचायत सदस्य पप्पू चौधरी जी, आसपा मंडल महासचिव मोहम्मद सलीम शाह जी, जिला अध्यक्ष आसपा बलरामपुर विनोद सोनकर जी, जिला अध्यक्ष बहराइच भीम आर्मी मिथिलेश हदाद जी, महसी विधानसभा अध्यक्ष राकेश कुमार गौतम व पिंटू टाइगर राजकिशोर, दिलावर भाई दिलसाद, प्रभु दायल बौद्ध, सुनील कुमार कनौजिया आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। पहले आप लोग जानते हैं, फिल्मों में देखते हैं, पढ़ा भी होगा कि पहले राजा का बेटा ही राजा बनता था। हमारी आपकी तो कोई सुनता ही नहीं था कि तुम लोग दलित या अछूत थे, तालाबों में कुत्ता जाके पानी पी सकता था, लेकिन हम लोग पानी नहीं पी सकते थे, हमको वो अधिकार नहीं था। लेकिन हम लोगों को जातियों में बांट दिया गया, SC ST OBC और मिनाटी, कि ये तो कुम्हार है, ये कोरी है, ये भंगी है, चमार है, पासी, तमाम सारी जातियों में। और उसके बाद एक जाति आती है ओबीसी, पिछड़ी जाति, वो लोग तो कहते हम तो ऊंचे हैं, लेकिन ऊंचा कौन है, हम लोगों को बांटा गया है कि हम लोग अलग रहे, अगर एक हो गए तो ये जो 15% है ये कहीं ना कहीं इनका नाम निशान निकाल लिया जाएगा। इसलिए हम लोगों को डिवाइड करके अलग अलग बांट दिया गया, फोटो डालो और राज करो।